हेलो स्टूडेंट्स आज हम पेनक्रियाटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि आप लोग जानते हो जो पेनक्रियाज होता है ठीक है वो क्या होता है एक एसेसरी है पेनक्रियाज किसका डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक है जिसका काम क्या होता है डाइजेशन में हेल्प करना पेनक्रियाज का काम आपको पता है एक एसेसरी ऑर्गन है जिसका काम क्या है डाइजेशन में हेल्प करना कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में बाय रिलीज ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स ठीक है कुछ एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को रिलीज करके आपको पता है पेनक्रियाज में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस पाए जाते हैं ओके तो इस तरह से पेनक्रियाज हेल्प करता है डाइजेशन में अब अपन इसकी जो डिजीज की बात करें तो पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है पेनक्रियाज में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना ठीक है अगर पेनक्रियाज में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे पेनक्रियाटाइटिस ओके देन डेफिनेशन के बाद अपन इसके टाइप्स की बात करते हैं तो जो पेनक्रियाटाइटिस होता है ये दो टाइप का होता है एक तो होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक यूजुअली कोई भी डिजीज़ कंडीशन दो टाइप की होती है एक्यूट एंड क्रोनिक अगर सबसे पहले अपन जो एक्यूट की बात करें तो कंडीशन को एक्यूट कब बोलेंगे जब जो प्रॉब्लम एराइज़ हो रही है वो कुछ टाइम के लिए हो ठीक है कुछ टाइम के लिए जो प्रॉब्लम एराइज़ हो उसको क्या बोलते हैं एक्यूट क्रोनिक कब बोलते हैं जब वही प्रॉब्लम लंबे टाइम तक अगर चल रही है क्रोनिक टाइम तक ठीक है प्रोलोंग टाइम तक अगर की चल रही है तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं क्रोनिक ठीक है तो पेंक्रियाटाइटिस भी दो टाइप का होता है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस एंड क्रोनिक एक्यूट सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की तो जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है तो पेंक्रियाटाइटिस को एक्यूट कब बोलेंगे जब इन्फ्लामेशन पेनक्रियाज में इंफ्लामेशन हो रहा है सडनली इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज दैट अकर्स सडनली अगर पेनक्रियाज में जो इन्फ्लामेशन है वो सडनली हो रहा है यानी कि अचानक हो रहा है ठीक है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे एक्यूट जो रिजोल्व हो जाती है कुछ दिनों के अंदर यूजुअली रिजोल्व इन फ्यू डेज फ्यू डेज में या कुछ दिनों में अगर वो वापस ठीक भी हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे एक्यूट ओके नेक्स्ट टाइप है क्रोनिक क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस कब बोलेंगे पेंक्रियाटाइटिस को क्रोनिक जब इन्फ्लामेशन जो पेनक्रियाज में जो इन्फ्लामेशन हो रखा है जो डैमेज हो रखा है वो इजीली एक तो हील नहीं होता है या इम्प्रूव नहीं होता है ठीक हो है यानी कि जो प्रॉब्लम हो रखी है या जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रखा है वो लंबे टाइम तक चल रहा है ठीक है और इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे क्रॉनिक ओके okay? जो प्रॉब्लम लंबे टाइम तक चल रही है इम्प्रूव नहीं हो पा रही है और टाइम के साथ टाइम के साथ धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है मे गेट्स वर्स ओवर टाइम यानी कि टाइम के साथ धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस ठीक है तो पेनक्रियाटाइटिस दो टाइप का होता है एक्यूट एंड क्रोनिक कुछ टाइम के लिए हो रहा है सडनली हो रहा है तो वो तो एक्यूट लंबे टाइम तक चल रहा है इंप्रूव नहीं हो पा रहा है तो उसको बोलेंगे क्रोनिक ओके नेक्स्ट इसके बाद बात आती है इसकी कोजेस की अगर पेनक्राटाइटिस की कोजेस की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ केसेस जो मोस्टली जो केसेस देखने को मिलते हैं पेनक्राटाइटिस के उसमें मेजोरिटी या मोस्टली जो कोज होती है वो तीन कोजेज़ होती है इसकी ठीक है फर्स्ट वन जो इसकी बात करें मोस्टली कोज की वो है कोली लिथियासिस लिथियासिस कोली ओके यहाँ पे जो लिथियासिस वर्ड है इसका मतलब होता है स्टोन्स ठीक है और जो कोली वर्ड है इसका मतलब है गोल यानी कि गोल ब्लेडर तो जो गोल स्टोन्स होते हैं गोल स्टोन्स का मतलब होता है गोल ब्लेडर में स्टोन्स ठीक है तो ये फर्स्ट मेन कोज है पेंटियाटाइटिस की यानी कि जो गोल ब्लेडर में स्टोन्स हो गए हैं उसको बोलते हैं कोलिलिथियासिस ओके सेकंड कोज है कोलेंजाइटिस 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 क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट्स बाइल डक्ट्स के बारे में आपको पता है बाइल डक्ट्स जो लीवर और गोल ब्लेडर से क्या लाती है बाइल को लाती है कहाँ लाती है पेनक्रियाटिक डक्ट में जहाँ पे दोनों मिक्स मिक्स होती है मिलती है और आगे जाके डोडिनम में ओपन होती है ठीक है तो जो ये बाइल डक्ट्स है इनमें अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन की वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है ओके थर्ड कोज हैवी एल्कोहल यूज ठीक है अगर कोई पेशेंट हैवी एल्कोहल कंजप्शन करता है तो उस पेशेंट या उस पर्सन में भी ये कंडीशन एराइज हो सकती है तो पेनक्रियाटाइटिस के जो मेजोरिटी ऑफ केस होते हैं जो जितने मोस्टली केस देखे जाते हैं उसमें मेनली तीन कोज पाई जाती है कोलिलिथिया से यानी कि गोल्ड स्टोन्स कोलेंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट्स और थर्ड वन है हैवी एल्कोहल यूज अगर कोई पर्सन एल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करता है तो उसमें भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है ओके okay? इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी अदर काजेज की अदर काजेज में फर्स्ट वन है पेनक्रियाटिक सर्जरी अगर किसी पेशेंट में या किसी पर्सन में पहले कोई सर्जरी हुई है पेनक्रियाज में ठीक है और उस सर्जरी होने के बाद उसके इन्फेक्शन एराइज़ हो गया ठीक है इन्फेक्शन अगर प्रज आ गया तो उस कंडीशन की वजह से भी यहाँ पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है ठीक है सर्जरी के बाद में ओके okay? सेकंड जो अदर कॉज है वो है सीवियर इंजरी सीवियर इंजरी टू एब्डोमिनल एरिया यानी कि जो एब्डोमिनल केविटी है उसमें किसी भी तरह की इंजरी होने से अगर इन्फेक्शन अंदर एंटर कर गया तो वो पेंक्रियाटाइटिस कोज कर सकता है यूजुअली हमको पता है कि जब भी कोई सी भी तरह की इंजरी होती है तो इंजरी में क्या होता है हमारी जो डिफेंस है फर्स्ट लाइन डिफेंस यानी कि हमारी जो स्किन है हमारे जो टिश्यूज़ है वो क्या हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं और जैसे ही डैमेज होंगे तो क्या होगा हमारी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स एक्सपोज हो जाएगी कहाँ आउटर इन्वायरमेंट में ओके okay? तो अगर आउटर इन्वायरमेंट में इंटरनल स्ट्रक्चर्स एक्सपोज होगी तो इन्फेक्शन होने के चांस होंगे ठीक है तो अगर इंजरी हुई है एब्डोमिनल एरिया uh, में तो उस वजह से भी पेनक्रेटाइटिस हो सकता है थर्ड अदर कॉज में आता है वायरल इन्फेक्शन अगर पेशेंट में किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो चांस हो सकते हैं कि उसको पेनकियाटाइटिस हो सके या हो जाए ठीक है नेक्स्ट कोज है जेनेटिक फैक्टर्स जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो अगर पेशेंट में किसी भी तरह के हेरिडिटरी फैक्टर्स प्रेजेंट है इस तरह के या जीन्स इस तरह के प्रेजेंट हैं उसमें तो वो जीन्स पेशेंट में पेनकियाटाइटिस कोज कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की फैमिली में अगर किसी को पहले पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन हो चुकी है तो चांस है कि उसको भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है ओके okay? अब इसमें लास्ट कॉज या अदर कॉजेज में ब्लॉकेज इन पेनक्रियाटिक डक्ट जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है पेनक्रियाटिक डक्ट का क्या काम होता है जो स्प्लीन है सॉरी जो पेन्रियाज है उससे सिक्रीशंस को डुओडिनम में लेके जाना यही काम होता है पेनक्रियाटिक डक्ट का बट अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए पेनक्रियाटिक डक्ट में तो उससे क्या होगा सिक्रीशंस आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो उस वजह से इन्फेक्शन के चांस होंगे ओके okay? तो इस वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है तो ये जो मैंने आपको कोजेज बताई मेजोरिटी केस में जो कोज होती है वो कौन सी होती है तीन केस कोज होती है कोलिलिथियासिस कोलेंजाइटिस एंड हेवी हैवी यूज अदर कोजेज में सर्जरी हो सकती है सर्जरी के बाद में अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है अगर इंजरी हुई और इन्फेक्शन अंदर एंटर कर गया तो भी इन्फ्लामेशन हो सकता है वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी ठीक है अब ब्लॉकेज की वजह से भी पेंथियाटिक डक्ट में अगर ब्लॉकेज हो गया तो उस वजह से भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है ठीक है तो ये इसकी कोजेस की बात हो गई नेक्स्ट अपन इसके बात करते हैं पेथोफिजियोलॉजी ठीक है कि किस तरह से पेंथियाटाइटिस कोज होता है या इसकी मेकेनिज्म क्या होती है तो इसकी मेकेनिज्म की बात करें तो जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या जो काज़ेज हैं ठीक है थीके? वो क्या करती हैं ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स ब्लोकेज अकर्स इन पेनक्रियाटिक डट पासज ऑफ एंजाइम सीक्रीशंस जैसा कि मैंने आपको बताया पेनक्रियाटिक डट का क्या काम होता है एन पेनक्रियास से एंजाइम्स को डुओडिनम में ले जाना ठीक है बट यहाँ पे क्या हो रहा है इस पेनक्रियाटिक डक्ट में ब्लोकेज हो रहा है ठीक है पेनक्रियाटिक डक्ट में क्या हो रहा है ब्लॉकेज हो रहा है जिस वजह से ये जो एंजाइम्स है एंजाइम्स आगे नहीं जा पा रहे हैं ठीक है ब्लॉकेज की वजह से एंजाइम्स आगे नहीं जा पा रहे हैं एंजाइम्स आगे, आगे नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा इन एबनॉर्मल कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन और ऑब्स्ट्रक्शन दीज एंजाइम्स में डिस्ट्रॉय द पेनक्रियाटिक सेल्स जब ये एंजाइम बाहर नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा ये एंजाइम्स पेनक्रियास की जो सेल्स है उनको ही डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे डू यू अंडरस्टैंड जो एंजाइम्स ब्लॉकेज की वजह से बाहर सीक्रेट नहीं हो पा रहे थे वो क्या करेंगे पेनक्रियास की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे ठीक है तो जैसे जब पेनक्रियाज की सेल्स डिस्ट्रॉय होगी टिश्यूज डिस्ट्रॉय होंगे डैमेज होगा तो वहाँ पे क्या होगा इनफ्लामेशन होगा ठीक है इनफ्लामेशन होगा तो की कंडीशन होगी, ओके? Okay? अंडरस्टैंड? क्या होगा जो भी कॉजेज है वो क्या करेगी पेनक्रियाटिक में ब्लॉकेज कर देगी डक्ट में ब्लॉकेज होगा तो एंजाइम्स का सीक्रिशंस नहीं हो पाएगा तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे एबनॉर्मल कंडीशन में पेनक्रियाटिक सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे ठीक है और पेन अगर ये पेनक्रियाटिक सेल्स डिस्ट्रॉय होगी टिश्यू डेमेज होंगे तो वहां पे क्या होगा इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन होगा तो पेनक्राइटिस की कंडीशन एराइज होगी ओके नेक्स्ट अपन बात करें साइनिस सिम्टम्स तो पेनक्राइटिस में मोस्टली जो मेन साइन सिम्टम देखने को मिलता है वो है पेन पेन होगा पेशेंट को और कहाँ होगा अपर लेफ्ट साइड ऑफ एबडोमन जो एपडोमिनल एरिया है उसमें जो अपर लेफ्ट साइड है वहाँ पे पेन पेशेंट को फील होगा ठीक है क्योंकि पेन क्रियाज वहीं प्रजेंट होता है ओके अपर लेफ्ट साइड में सेकेंड जो सिम्टम होगा वो क्या होगा टेंडरनेस जब पेशेंट को अपन अपर लेफ्ट साइड में अगर पेशेंट के एब्डोमिनल एरिया के अपर लेफ्ट साइड में अगर पालपेट करके देखेंगे तो वहाँ पे टेंडरनेस फील होगी टेंडरनेस का मतलब होता है कड़कपन ठीक है क्यों फील होगी टेंडरनेस क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग हो रखी है स्वेलिंग होगी तो टेंडरनेस फील होगी ओके नेक्स्ट सिम्टम होगा फीवर अगर इन्फ्लामेशन है इन्फेक्शन की कंडीशन हुई है तो फीवर होगा क्योंकि फीवर का का फीवर कब होता है फीवर अपनी बॉडी का रिस्पांस होता है जो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बॉडी प्रोड्यूस करती है ठीक है नेक्स्ट सिम्टम होगा नोजिया एंड वोमिटिंग पेशेंट को वोमिटिंग की कंडीशन एराइज होगी ओके नेक्स्ट जो सिम्टम होगा वो होगा जोनडिस जोडिस में क्या होता है बॉडी में बिल्ली का लेवल बढ़ जाता है यह आप सबको पता है कि जोंडिस में क्या होता है बिल्यूरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है अब ये इस कंडीशन में क्यों बढ़ रहा है पेनक्रियाटाइटिस में क्योंकि जो बाइल डक्ट्स है उनमें ब्लॉकेज है बाइल डक्ट्स में अगर ब्लॉकेज होगा तो बाइल आगे नहीं जा पाएगा ठीक है बाइल आगे नहीं जा पाएगा और बाइल में क्या प्रेजेंट होता है बिल्लीबीन ठीक है बाइल में क्या प्रेजेंट होता है बिल्रुबिन और अगर बाइल आगे सीक्रेट नहीं हो पा रहा है तो बिल्यूरिबीन भी बाहर बॉडी से नहीं जा पाएगा इस वजह से ब्लड में बिल्यूरिबीन का लेवल क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा और इंक्रीज अगर बिल्यूरिबीन का लेवल बढ़ता जाएगा ब्लड में तो क्या कंडीशन इराइज होगी ओके ब्लॉकेज की वजह से नेक्स्ट सिम्टम है वेट लॉस वेट लॉस कैसे होगा क्योंकि पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स इनका काम क्या होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं या जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना क्यों तोड़ना ताकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके ठीक है बट यहाँ पे एंजाइम्स का सीक्रेश नहीं हो पा रहा एंजाइम्स का सीक्रेशन नहीं होगा तो जो न्यूट्रियट्स है वो डाउन नहीं होंगे ठीक है न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो पेशेंट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वेट लॉस होगा ओके नेक्स्ट सिम्टम है पुअर डाइजेशन पुअर डाइजेशन कंडीशन क्यों होगी कि वही बात है कि एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहे हैं तो एंजाइम सीक्रेट नहीं होंगे तो डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा ओके okay? नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा डायबिटीज़ डायबिटीज़ क्यों देखने को मिलेगी क्योंकि पेनक्रियास से क्या रिलीज़ होता है इंसुलिन और इंसुलिन का काम क्या होता है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना अगर ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो क्या कंडीशन एयराइज़ होगी डायबिटीज़ ओके okay? इंसुलिन का रिलीज सीक्रेशन नहीं हो पा रहा है जिस वजह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं होगा सेल्स में एंटर नहीं करेगा जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज की कंडीशन एराइज़ होगी ओके नेक्स्ट सिम्टम है फ्लैट्यूलेंस फ्लैट्यूलेंस पेशेंट में फ्लैटुलेंस की कंडीशन होगी यानी कि गैस फॉर्मेशन होगा लास्ट जो सिम्टम है वो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेशेंट को क्रैम्प्स फील होंगे एब्डोमिनल एरिया में ओके okay? तो दीज आर दिम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेनक्रियाटाइटिस पेशेंट को अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमन में पेन फील होगा टेंडरनेस फील होगी फीवर फील होगा नोज एंड वोमिटिंग होगी जोंडिस होगा जोंडिस क्यों होगा क्योंकि बिल्यूरुबिन बाहर बॉडी से नहीं निकल पा रहा है इस वजह से बॉडी में बिल्यूरबिन का लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और जॉन्डीज की कंडीशन देखने को मिलेगी ठीक है नेक्स्ट है वेट लॉस वेट लॉस क्यों होगा क्योंकि एंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं हो रहा है ठीक है एंजाइम्स का सीक्रेशन नहीं हो रहा है तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे ओके नेक्स्ट पुअर डाइजेशन वही बात है पुअर डाइजेशन क्यों होगा क्योंकि एंजाइम्स नहीं सीक्रेट हो रहे हैं तो वो जो भी फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको तोड़ेंगे नहीं तोड़ नहीं पाएंगे तो डाइजेशन नहीं होगा ओके okay. डायबिटीज की कंडीशन क्यों अराइज होगी क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पा रहा है पेन से ठीक है ओके नेक्स्ट अगर डायग्नोस्टिक वॉल्युएशन की बात करें तो डायग्नोस्टिक वॉल्युएशन में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से जो भी उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री है पास्ट हिस्ट्री है मेडिकल हिस्ट्री है फैमिली हिस्ट्री है वो कलेक्शन करेंगे हिस्ट्री पेशेंट से ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो उसने फेस आउट किए वो हमको पता चल सके ओके नेक्स्ट पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में चार पॉइंट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन परक्यूशन पल्पिटेशन एंड ऑस्कल्टेशन तो यहाँ पे अपन पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन में पालपेशन करेंगे पालपेशन कहाँ करेंगे पेशेंट के अपर लेफ्ट साइड में अपन लेफ़्ट साइड में पालपेट करेंगे तो वहाँ पे टेंडरनेस फील होगी ठीक है ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तो उसमें पेशेंट क्या बताएगा कि सर मेरे को अपन लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है ठीक है नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है उसमें लेब टेस्ट करेंगे लेब टेस्ट में क्या पता लगाएंगे जो पेनक्रियाटिक एंजाइम से उनके ब्लड लेवल के बारे में ठीक है तो अगर यहाँ पे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज नहीं हो रहे हैं तो इनका लेवल क्या होगा ब्लड में बढ़ावा मिलेगा यानी इंक्रीज लेवल मिलेगा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का क्यों मिलेगा क्योंकि पेनजाइम्स का सीक्रेशन नहीं हो पा रहा है ओके नेक्स्ट जो डायग्नोसिस करेंगे वो करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट कंप्लीट ब्लड काउंट में डब्ल्यू का लेवल बढ़ावा मिलेगा डब्ल्यू का लेवल क्यों बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा है और जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो डब्लू का लेवल क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है तो कंप्लीट ब्लड काउंट में डब्लू का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा ओके नेक्स्ट डायग्नोसिस जो है वो है एबडोमिनल सी स्कैन और एम पेशेंट की एबडोमिनल एरिया का सी स्कैन या एम करेंगे पेनक्राटाइटिस की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए ओके okay. डायग्नोसिस के बाद लास्ट है इसका मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट है पेंथियाटाइटिस का इसमें तीन मैनेज तीन पॉइंट्स है मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है मेंटेन एडिकुएट न्यूट्रिशन जो सबसे पहला फोकस रहेगा मैनेजमेंट का इसमें पेशेंट के वो रहेगा पेशेंट को एडिकुएट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना ओके okay. पेशेंट को न्यूट्रिशन की जरूरत है क्यों जरूरत है क्योंकि एंजाइम सीक्रेट नहीं हो पा रहे हैं पेशेंट में डाइजेशन नहीं हो पा रहा है अगर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो पेशेंट को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो जो न्यूट्रिशन है वो अपन पेशेंट को कैसे प्रोवाइड कराएंगे बाय आई वी फ्लूड्स नेसोगेस्टिक फीडिंग या आई वी फ्लूड्स के थ्रू ठीक है पेशेंट को कुछ भी माउथ के थ्रू नहीं देना है क्यों नहीं देना है क्योंकि पेनक्रियाज की एक्टिविटी को हमको रोकना है ओके तो पेशेंट को न्यूट्रिशन कैसे देंगे या तो नेसोगेस्टिक फीडिंग से देंगे या आई फ्लूट्स के थ्रू देंगे ठीक है जो अब सेकंड जो मैनेजमेंट है वो है एंजाइम रिप्लेस मेडिकेशंस पेशेंट को जो पेनक्रियाटिक एंजाइम से और जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पा रहा है मिल नहीं पा रहा है तो पेशेंट को ये सब चीज़ें कहाँ से देंगे थ्रू आउटसाइड बाहर से देंगे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी बाहर से देंगे और इंसुलिन भी बाहर से प्रोवाइड कराएंगे ठीक है ये सेकेंड मैनेजमेंट हो गया थर्ड जो पॉइंट है मैनेजमेंट में वो है कंट्रोल ऑफ पेन जो पेशेंट को पेन हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे कैसे कंट्रोल करेंगे बाया वाया एनालजेसिक्स पेशेंट को एनालजेसिक्स ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे कौन सी पैरासीटामोल ओके okay. तो ये मेडिकल मैनेजमेंट में तीन पॉइंट हो गए फर्स्ट वन है कि पेशेंट को एडिक्यूट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है ठीक है कैसे प्रोवाइड कराना है या तो नेसोगेस्टिक फीडिंग से या आई वी फ्लूड से ओके सेकेंड वन अगर जो भी है पेशेंट को पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और इंसुलिन की लेवल जो है प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा इसलिए पेशेंट को बाहर से हम एंजाइम्स और इंसुलिन प्रोवाइड कराएंगे ठीक है और थर्ड जो मैनेजमेंट है वो है कंट्रोल ऑफ पेन यानी कि जो पेशेंट को पेन हो रहा है उसके लिए पेशेंट को एनालजेसिक्स प्रोवाइड कराएंगे ठीक है अब मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आती है बात सर्जिकल मैनेजमेंट की सर्जिकल मैनेजमेंट दो पॉइंट्स हैं एंडोस्कोपिक सर्जरी एंड पेनक्रियाटेक्टमी फर्स्ट वन एंडोस्कोपिक सर्जरी की बात करें तो इसमें क्या होगा पेशेंट को पेशेंट का जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ब्लॉक पेनक्रियाटिक डक्ट है उसमें एक बेलून इंसर्ट कराया जाएगा ठीक है विद ए ट्यूब क्यों कराया जाएगा पेनक्रियाटिक डक्ट को डायलेट करने के लिए ओके कैसे कराया जाएगा देखो ये जो डक्ट है ओके okay, इसके अंदर क्या करेंगे एक बैलून इंसर्ट कराएंगे ये बैलून इंसर्ट कराने के बाद इस बैलून में एयर फील करेंगे एयर फील करेंगे तो क्या होगा ये ये एयर फिल करने के बाद ये जो बैलून है ये फूलेगा यानी कि इसका साइज इंक्रीज होगा तो इसका जैसे साइज इंक्रीज होगा तो ये पेंकाटिक डक्ट भी डायलेट हो जाएगी ओके okay? जैसे ये डक्ट है ये बेलून है इसमें जैसे हम एयर फिल कराएंगे तो इसका क्या होगा ये एक्सपेंड होगा जैसे ये एक्सपेंड होगा तो ये डक्ट को भी डायलेट कर देगा ओके इस तरह से जो ब्लॉक पेंक्रियाटिक डक्ट है उसको डायलेट करेंगे कैसे बेलून इंसर्ट करके सेकंड जो सर्जरी है वो है पेनक्रियाटेक्टमी इसमें क्या करेंगे जो इन्फ्लेम पेंक्रियाज है उसको या तो पार्शियली या कंप्लीट रिमूव कर देंगे ओके तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया तो अब एक बार वापस से अपन इसके समरी कर लेते हैं पेंक्रियाटाइटिस की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो पेंक्रियाटाइटिस क्या होता है इनफ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज पेशेंट ओके पेनक्रियाज में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन क्या बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस ये दो टाइप का होता है एक्यूट पेंथटाइटिस एंड क्रॉनिकटाइटिस एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस कब बोलेंगे जब इन्फ्लामेशन सडनली हो रहा है ठीक है सडनली अचानक हो रहा है और कुछ दिनों के अंदर रिजोल्व हो जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे एक्यूट ठीक है क्रोनिक कब बोलेंगे क्रोनिक क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस कब बोलेंगे जब इन्फ्लामेशन हील नहीं हो पा रहा है इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, है और टाइम के साथ ये बिगड़ती जा रही है मे गेट्स वर्स ओवर टाइम टाइम के साथ बिगड़ती जा रही है इम्प्रूव नहीं हो रही है ठीक है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस ओके नेक्स्ट इसके बाद जो इसकी कोजेज की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ कोजेज में पेनक्रियाटाइटिस की जो कोज होती है मोस्टली केसेस में तीन होती है कोलिलिथिया यानी कि गोल्ड स्टोन्स कोलेंजाइटिस यानी कि बाइलडक्स में इंफ्लामेशन और हेवी एल्कोल यूज ओके अदर जेस की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट वन कोज है पेनक्रियाटिक सर्जरी अगर सर्जरी हुई है में किसी तरह की और उसके बाद अगर इन्फेक्शन हो गया तो इन्फ्लामेशन हो सकता है सेकेंड वन इंजरी की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है इन्फेक्शन हो गया तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है अगर पहले के हेरिडिटरी कोई जीन्स प्रेजेंट है तो ठीक है फैमिली हिस्ट्री यानी कि फैमिली में किसी को अगर पहले पेनक्रेटाइटिस हो चुका है तो उस वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है पर्सन में और लास्ट है कि पेनक्रिया डक्ट में किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो गया उस वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है ओके पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बता दी कि जिस तरह से कुछ जो भी इसकी कॉजेज है उनकी वजह से अगर पेनक्रियाटिक डक्ट में किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो जाता है तो एंजाइम सीक्रेट नहीं होंगे एंजाइम सीक्रेट नहीं होंगे तो क्या होंगे ये एंजाइम्स पेंक्रियाटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे ठीक है और अगर पेंक्रियाटिक सेल डिस्ट्रॉय होगी पेंक्रियाटिक टिश्यू डैमेज होंगे तो इन्फ्लामेशन कंडीशन होगी इन्फ्लामेशन होगा तो पेंक्रियाटाइटिसाइज होगा ओके नेक्स्ट इसके साइनी सिम्टम्स में मोस्टली most, जो मेन सिम्टम है वो है पेन ठीक है टेंडरनेस जोंडिस वेट लॉस डाइजेशन डायबिटीज एबडोम क्रेम्स इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे ये कंडीशन एराइज होगी ओके अगर इसकी जो मैनेजमेंट की बात करें मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें तीन पॉइंट्स हैं फर्स्ट वन है कि पेशेंट को सबसे मेन फोकस क्या करना है पेशेंट को प्रोपर एडिक्ड न्यूट्रीशन प्रोवाइड कराना है कैसे प्रोवाइड कराना है वाया आई वी फ्लूड्स सेकेंड पेशेंट को एंजाइम्स और जो इंसुलिन है वो बाहर से प्रोवाइड करानाने हैं ओके थर्ड वन जो पेशेंट को पेन हो रहा है उसके लिए उसको एनालजेसिक्स प्रोवाइड करानी है सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें दो सर्जरी है एंडोस्कोपिक सर्जरी में क्या करेंगे जो पेंक्रियाटिक ड ब्लॉक पेंक्रिया डक्ट है उसमें एक बेलून इंसर्ट करेंगे उसको एयर एयरफिल करेंगे एयर फील करेंगे तो वो डायलेट हो जाएगा ठीक है पेनक्रियाटिक टीम में क्या करेंगे जो इन्फ्लम पेनक्रियाज है उसको या तो पार्शियली या कंप्लीटली रिमूव कर देंगे ओके सो so, अगर आपको किसी भी तरह की इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें मैं उसको आपकी कमेंट करेंगे तो आप मैं उसको आपको जवाब दूंगा ओके थैंक यू